आपके पास पैसे हैं? हैं? पैसे हैं, पैसे क्या है उसके पास है? हाँ? तो उसे थोड़ा मांग लो, मिठाई खरीद लो और मुंह मीठा कर लो अपना। क्यों? क्योंकि मेरा तीसरा पोता आ रहा है, चप्पू। चप्पू आ रहा है, चप्पू, चप्पू, चप्पू आ रहा है, चप्पू, चप्पू, चप्पू का भाई, चप्पू आ रहा है। 15 साल पागल खाने में था। अच्छा? हाँ, आज ही छूटा है। बेचारे के पास कोई काम धंधा नहीं है ना, इसीलिए देखो ये मोटर ड्राइविंग स्कूल खोल दिया मैंने उसके लिए। इसी बहाने गाड़ी चलानी भी सीख जाएगा। दो तारे रख नंगी, जब थोड़ा सा ढीला हो घुसा देना। ये सब आप ही उसे बोलना। क्या है, उसे गाड़ी चलानी आती है लेकिन क्या थोड़ा सा पागल है ना, कभी कभी भूल जाता है। ओ अच्छा। नानी चप्पू, नानी 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 मेरा चप्पू आया, नानी नानी, ओह माय गॉड नानी, ये तो वही है ना। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, तो वही है ना, ठुको ठुको, ऐसे भी नहीं बोलते। क्या बजाते हो, चुप करो। सिद्धू जी इसका बुरा मत मानना, मैंने आपसे कहा था ना। नहीं, मैं इसका बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूँ। जितने भी कैरेक्टर इसने किए हैं, ये चप्पू वाला सबसे क्यूट और सबसे दुलारा और प्यारा है। हाँ स्वीट, नजर ना लगे मेरी। तूने उसकी नजर उतारी, तूने उसके ऊपर बरसात की, उसने उसने सेम टू यू किया। मैं ये कह रही थी सेम टू यू। दरअसल क्या है ना, बेचारा एक लड़की से प्यार करता था लेकिन उसने किसी और से शादी कर दी। किसी और से थोड़ी की, उसने अपने पति से किए। पर मैंने अभी इतनी टेंशन ले रही, मैं नानी मेरे लिए लड़की ढूंढ के देना है। ओए मेरे बच्चे को लड़की चाहिए, कैसी लड़की चाहिए बता? ओरिजिनल चाहिए, तेरे जैसी नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार घर की मुर्गी दाल बराबर हो, कभी कभी बाहर की दाल भी मुर्गी बराबर होती है। ये क्या बात हुई पागल, मैं हूँ, बातें तू कर रही है। बाहर घुसाओ। नहीं दरअसल बोलना तो कुछ अच्छा चाहती थी, कुछ सूझा नहीं तो इसलिए ऐसे बोल दिया मैंने। सिद्धू जी। हाँ जी। मेरी नाती का ख्याल रखना। हाँ, पूरा सोना है ना। ये सब छोड़, दिल लगा के काम करना तू, दिल लगा के, समझा? दिल लगा के। हाँ सिद्धू साहब। हाँ जी। नानी ने ये क्यों कहा दिल लगा के काम करना? दिल का कनेक्शन होना चाहिए हर एक चीज के साथ। ओके। हेलो, हाय डैडी। हाँ मैं पहुंच गई हूँ ठोको गाड़ी ड्राइविंग मोटर स्कूल। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको फोन करूंगी ना, बाय। ओ अब समझ में आया नानी ने क्यों कहा था दिल लगा के काम करना। दिल लग गया मेरा। हेलो। हाय, मुझे गाड़ी चलानी सीखनी है। वेलकम वेलकम, क्या नाम है आपका? जी संगीता। जी संगीता, कितना अच्छा नाम है जी संगीता। नो, जी संगीता नहीं, सिर्फ संगीता। ये भी बड़ा अच्छा नाम है, सिर्फ संगीता। सिर्फ संगीता नहीं, ओनली संगीता। ओनली संगीता ही बड़ा अच्छा, ओनली संगीता। अरे मेरा नाम संगीता है, संगीता, दैट्स इट। नाइस टू मीट यू संगीता, दैट्स इट, नाइस टू मीट यू। आप बहुत अच्छी जगह पे आई हैं, आइए 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 फटाफट। ये लीजिए फीता, काटिए फटाफट। मैं फीता क्यों काटूं? अरे आप हमारी पहली कस्टमर है। पहली कस्टमर, इससे पहले आपने किसी को गाड़ी चलानी सिखाया? क्या बात कर रही हैं आप? आपको पता मुगल जब भारत आए थे ना, हाँ, घोड़े पे आए थे। ओके। तो मेरे परदादा जी ने उनको रोका, उनका घोड़े से उतरो, गाड़ी सिखाता हूँ, फिर वो गाड़ी में आए। उसके बाद बताया, फिर जब अंग्रेज आए भारत में ना, तो फिर मेरे दादाजी ने उनको गाड़ी सिखाई। मेरे दादाजी को सारे अंग्रेज अंग्रेज बोलते थे। क्यों? वो अंग्रेजी फिल्में बड़ी देखते थे। फिर ना 1497 में जब उन्होंने कहा कि अंग्रेज को भारत छोड़ो, तो मेरा दादा फ्लो फ्लो में निकल गया। फ्लो अंग्रेज अंग्रेज थे। अच्छा ये आप फॉर्म भर दीजिए। एक सेकंड, आपका हो गया जी। पहले आप ये बताइए कि ये कोर्स कितने दिन का? ओनली 3 मंथ्स। हेलो, आपने न्यूज़पेपर में ऐड दी थी कि मात्र 7 दिन में गाड़ी चलाना सीखिए। तो कुछ ज्यादा ही दे रहे हैं, कम तो नहीं दे रहे ना? 7 दिन से ज्यादा ही होते हैं, 3 महीने। वैसे आप करती क्या हैं? मेरा अपना ब्यूटी पार्लर है। ओ वाओ, आज तो कुआं खुद प्यासे के पास आ गया। व्हाट? एक्चुअली ना मेरा बड़े दिनों से दिल कर रहा था मैं मसाज कराऊं, मेरे को शर्म बड़ी आती है। पर आपसे क्या शर्माना, आप तो अपनी हैं। अपनी? मैं आपकी अपनी हूँ? पहली बात तो मैं आपकी अपनी नहीं हूँ, और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ पे जेंट्स की मसाज नहीं होती है। कोई बात नहीं, मैं लेडीज की जैसे बैठ जाऊंगा। ओह शट अप, एक्सक्यूज मी। व्हाट एक्सक्यूज मी? जेंट्स के सीने में दिल नहीं होता क्या?
जेंट्स लेडीज पार्लर में नहीं जा सकते, जेंट्स लेडीज टॉयलेट में नहीं जा सकते, जेंट्स माँ नहीं बन सकते, हम जेंट्स के आप लड़कियों को शॉपिंग कराने आए। You know what? मुझे लगता है तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मैं तो अभी भी करा गया हूँ, अब तो मैं काटता भी नहीं। तुम मुझे गाड़ी चलाना सिखाओगे या मैं जाऊँ? अरे सिखाएंगे सिखाएंगे बिल्कुल, अब बुरा क्यों मान रही है, ये बैठिए। वहाँ क्यों बैठो, गाड़ी यहाँ, यहाँ बैठेंगे ना। सीधा ओरिजिनल गाड़ी पे थोड़ी ना सिखाऊंगा, कहीं ठुक गई तो। इधर बैठिए बैठिए, दुपट्टा संभाल के, चेन में आ जाएगा। दुपट्टा है कहाँ? चेन भी है कहाँ? देखो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करो। कफ बड़ा हो जाता है। चलो गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ। माय गॉड, ब्रेक मारो। क्यों ब्रेक मारनी पड़ी? मैंने ब्रेक मार दी, आपने मारी नहीं, आधी गाड़ी ठुक जाती। अरे मारनी क्यों थी ब्रेक? अच्छा वाह, मारनी क्यों थी? अपनी फिगर अच्छी है तो सामने भैंस बैठी दिखती नहीं। यू रेसिस्ट। चलो अब रेस दो रेस दो रेस रेस दो। ओह माय गॉड, क्या कर रहे हो तुम ये? अरे गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया। तो गड्ढा यहाँ क्यों गिरा, वहाँ गिरो ना। इतना भी पागल नहीं हूँ मैं, इधर ही गिरूंगा। चलो 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 तेज चलाओ। सुनो बोलो, पेट्रोल पंप आ रहा है, पेट्रोल डलवा लें? डलवा लो, पैसे दो। मैं स्टेरिंग पकड़ता हूँ। नकली पैसे नहीं, ओरिजिनल पैसे दो। अच्छा गाड़ी नकली, पैसे असली, सारी चीजें नकली डलवा लें, पैसे दो। स्टूपिड, पकड़ो इसको। चलो तेल डलवाते हैं, रुको। हेलो, पैसे असली लिया, पेट्रोल भी असली डालो। एक तो 500 दिया मैंने, 600 का डाल दिया, उसके बावजूद मेरे साथ बहस कर रही हो। चलो फालतू में लॉन्ग ड्राइव पे जाना पड़ेगा, गाड़ी तेज चलाओ जी। क्यों? मैंने कच्चा गीला पहना हुआ, मेरे सूख जाएगा। और तेज चलाओ, और तेज चलाओ, तेज चलाओ। यू टर्न मारो। क्यों मारूं? अरे पीछे से भी गीला तो मैं सुखाऊंगा ना। तो तुम उल्टा मुड़ जाओ ना। ये आइडिया मेरे दिमाग में आया नहीं। यू नो व्हाट, तुम्हारा आइडिया क्या भाड़ में, तुम मुझे असली गाड़ी चलाना सिखाओ वरना मैं जा रही हूं। अरे गुस्सा ही कर गई। आइए आप बैठिए, आइए बैठिए, इधर से बैठिए ना। आप क्या कर रही हैं? चलिए गाड़ी स्टार्ट करिए। चाबी दो। अच्छा चोरी की गाड़ी की चाबी भी दे? ये गाड़ी चोरी की है? चोरी चोरी कंपनी का नाम है, ये इंपोर्टेड गाड़ी है ना, ये जापान की गाड़ी है। मेड इन चाइना लिखा है। मेड इन चाइना बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जापान। आपको पता है इसको आप जूड़े की पिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जूड़ा नहीं करती, मैं चोटी करती हूँ। क्या कर दी ना चोटी बात? तुम पता जूड़े में कितनी अच्छी लगती हो? मेरी माँ को जूड़े वाली लड़कियाँ पसंद है, अपनी माँ को कैसे मनाऊंगा मैं? तुम्हारी माँ को क्यों मनाना है? तुम्हारी माँ को क्या, मैं जूड़ा करूँ चोटी करूँ? वाह, अभी गाड़ी में बैठी नहीं, इतनी अकड़ आ गई, सीख जाएगी तो तुम मार दोगी मेरे को। मेरी माँ की तुम्हारे साथ लड़ाई होगी तो तुम्हारे जूड़े से ही घसीटेगी ना। अच्छा कोई मुझे हाथ लगा के दिखाए। खबरदार मेरी माँ के साथ बदतमीजी की तो। मैंने तुम्हारी माँ के साथ कब बदतमीजी की? अब भाई ना लाइन पे चलो। You know what, मैं जा रही। एक मिनट यार, तुम लड़कियां रूठती बढ़ाओ। सॉरी बेबी। बेबी? मैं तुम्हारी बेबी हूँ, मैं तुम्हारी कस्टमर हूँ, और कस्टमर भगवान होता है। माँ भी भगवान जैसी होती है, और माँ के लिए हर बच्चा बेबी होता है। बेबी को भेष पसंद है। हेलो डैडी, ये आदमी पागल है, मुझे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। हेलो डैडी, मेरे को ये बहुत पसंद है आप। मैं हाँ, डैडी को बीच में क्यों ला रही हो यार? तुम पागल तो नहीं हो? और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ आता है। तुम ये बताओ, वो जो लाइनें लगी हुई हैं सामने वाइट वाली, इन्हें क्या कहते हैं? ये? हाँ। ये जब सड़क बुड्ढी हो जाती है ना तो वाइट वाइट आ जाते हैं उसके। इसे ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ीब्रा क्रॉसिंग। ज़ीब्रा क्रॉसिंग, इतने सालों से देख रहा हूँ, आज तक कोई ज़ीब्रा नहीं निकला इधर से। चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। चलो चलो बाबा ट्रेनिंग। कैसे ट्रेनिंग शुरू करेंगे, इसमें तो ब्रेक ही नहीं है। ब्रेक नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम फिल्म स्टार की बेटी हो? नहीं। तो स्ट्रगल करो, ब्रेक मिल जाएगा, आते ही ब्रेक चाहिए। अगर ब्रेक नहीं होगा ना तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा 6 महीने जेल होगी, वैलेंटाइन से पहले बाहर आ जाओगी। मुझे जेल क्यों होगी? तुम देश के लिए जेल नहीं जा सकती? अरे देश बीच में कहां से आ गया? वाह, देश कहीं से नहीं आ गया, तुम देश के बीच में आती हो। देश तुम्हें गाड़ी देता है, चलाने के लिए सड़कें देता है, और तुम देश के लिए जेल नहीं जा सकती? अरे तुम पागल हो। मैंने क्या जुर्म किया है जो मैं जेल जाऊंगी
और वैसे भी इस गाड़ी में सीट बेल्ट भी नहीं है। देखो मैडम, हम अपने कस्टमर की सुरक्षा का खुद ख्याल रखते हैं। अच्छा। आप गाड़ी चलाओ, सीट बेल्ट मैं आपको देता हूँ, चलो। हाँ, मत लगाना मुझे। पागल आदमी। अब मैडम आपको समझ नहीं रही है, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आपको पता नहीं है गाड़ी उड़ते वक्त सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये गाड़ी उड़ती है? मैं आपको रनवे पे सिखाऊंगा ना, बड़े बड़े जहाज उड़ जाते हैं, गाड़ी का कैसे। और सुनो, इन केस आपातकालीन स्थिति में हम पानी में उतरने ना, तो ये जो नीचे टायर लगे हुए ना, एक अपने गले में डाल लेना, एक मेरे गले में, ठीक है? एक काम करो, तुम गाड़ी चलाओ, मुझे नहीं सीखनी। तुम यार चलती गाड़ी से उतरेगी पागल। तुम गाड़ी खुद ही सीखो, अपनी गाड़ी अपने पास रखो। मेरा पहला प्यार रूट गया मेरा। अच्छा यार मत रो, आ गए मैं वापस। पर तुम्हें भी तो थोड़ा तो ध्यान होना चाहिए ना, सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, बंदा कुछ तो सोचता है। उसकी चिंता ना करो, हम हर शनिवार में नींबू मिर्ची लगाते हैं। नींबू मिर्ची से क्या होता है? अब मैडम हिंदुस्तान में ना गाड़ियां पेट्रोल डीजल पुलिस के भरोसे कम चलती है, नींबू मिर्ची के बहाने ज्यादा चलती है, आपको पता है। अब अपना हाथ दिखाओ मेरे को, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे आप इतना डर रही हैं, कुछ नहीं होगा आपको, आपकी लाइफ लाइन ही बड़ी लंबी है। अच्छा, चार बच्चे हैं आपकी किस्मत में। अच्छा, चार हो, आठ हो, तुम्हें क्या? क्यों, स्कूल की फीस तो मेरे को ही देनी पड़ेगी ना। मेरे बच्चों की स्कूल की फीस तुम क्यों दोगे? तुम्हें पता है बहुत हो गया, अब मैं पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस को नहीं बुलाते, पागल पंडित को बुलाते, इंडियन कल्चर का पता ही कुछ नहीं। मैं संभाल लूंगा, तुम आओ गाड़ी बैठते हैं। आओ गाड़ी पे ध्यान दीजिए, आप आइए। मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी, इस गाड़ी में कोई गियर भी नहीं है। क्यों नहीं गियर, ये क्या है? ये हॉकी है। आई वॉन्ट टू प्रमोट हॉकी। अरे लेकिन हॉकी से गाड़ी नहीं चलती। बिल्कुल ठीक कहा मैडम, हॉकी से तो आजकल घर नहीं चल रहे। ये लो फिर, ये लो, इससे चलाओ, इससे तो बड़ो बड़ो की कारें चल रही हैं। पूछ लो सिद्धू साहब के पास 9 गाड़ियां हैं, इसी से लिए। यही बैट उठाकर तुम्हारे सर पे मारकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। गाड़ी चलाना सिखाना है या नहीं? एक मिनट, आप तो गुस्सा कर गई, एक मिनट, आंखें बंद करो, 2 मिनट बंद तो करो यार, मैं सिखा रहा हूं ना। देखो हमारी ऐसे दोस्ती, हमारी रिलेशनशिप में बदल गई, कल को पार्टी वार्टी में जाएंगे, लोग कहेंगे लड़का लड़की डांस करो, तो मुझे चेक भी तो करना है, तुम्हें डांस करना आता कि नहीं? मुझे डांस करना आता है। तो फिर थोड़ा सा दिखाओ वेस्टर्न शकीरा वाला वक्का वक्का। मुझे जूडो कराटे भी करना आता है, करके दिखाओ। वाह, हेलो माँ, तेरी बहू को जूडो कराटे भी आते हैं? हाँ, तू ध्यान से रहना, इसको जूडो वूडो मत बोलना, कराटा मारेगी। हेलो माँ पूछ रही है, कुकिंग आती है? तुम्हें डर दो, ये कैसा बेटा पैदा किया है आपने? देखो 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 माँ, मैंने तुझे कहा था ना, सारी दुनिया नाच करेगी, सारी दुनिया पूछ रही कैसा बेटा पैदा किया है, पोता भी बड़ा अच्छा पैदा करो। डैडी, डैडी मैं आ रही हूँ। डैडी मैं भी आ रहा हूँ। डैडी आप पुलिस बुलाइए। डैडी इधर है, ये मम्मी है। हेलो मम्मी, होल्ड करो, क्या हो गया? देखो अब मैं पुलिस बुला लूंगी, बहुत हो चुका है तुम्हारा। पुलिस बुला ही नहीं सकते, पापा मम्मी पुलिस नहीं बुला सकते कभी भी, आपने गाना नहीं सुना, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी को करो। ओह माय गॉड, एक्चुअली मुझे पक्का विश्वास हो गया, पूरा विश्वास हो गया, तुम पागल हो, तुम पागल हो। यस, आजकल के दौर में कोई इंसान हंस खेल के बात कर ले ना दो पल, तो उसको लोग पागल ही कहते हैं मैम। किसी इंसान ने क्या कहा है कि वक्त पे खोल लिया होता अगर दिल यारों के साथ, आज खोलना ना पड़ता हॉस्पिटल में औजारों के साथ। क्या पावर! वाह वाह, तुम शायरी भी कर लेते हो, और क्या क्या कर लेते हो? मैं नाश्ता कर लेता हूँ। अच्छा? मैं लंच कर लेता हूँ, डिनर पे मैं लेट आऊंगा। मेरे को एक बार बताओ, मेरे को बाथरूम जाना है, बताओ कि कहाँ से खुलता है ये? तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम ये स्कूल बंद करो, तुम्हारा बहुत हो गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मेरे होते हुए मेरे इलाके में ये कौन है जो लड़की छेड़ रहा है? सिद्धू साहब वापस हो जा, वापस हो जा। हेलो, ये मुझे छेड़ रहे हैं। ओ तो सीधी तरह बताओ, थाने चलना है या पैसे दे के यही रफा दफा करना है? आपको शर्म नहीं आती सबके सामने रिश्वत मांग रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि कभी भी कोई भी काम पीठ पीछे नहीं करना,
जल्दी बता क्या करना है, वरना मार मार के तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। आपने खुद ही तो कहा आपकी माँ कहती पीठ के पीछे कुछ नहीं करना, तो फिर क्यों कर रहे हो? ओके, ये बताओ ये गाड़ी किसके नाम पे है? इनके नाम पे। ए झूठी, चलते कट्टी तेरे साथ। मैंने कब कहा मेरी गाड़ी है? हेलो, तुमने मुझे कहा था ये गाड़ी तुम्हारी है। एक बार कहा मैंने तो 20 बार कह दिया तुम मेरी हो जाओगी। मैं 2 मिनट में कहूंगा कि ये हौलदार मेरा है, तो हो जाएगा क्या? मैं थानेदार हूँ। देखो मैडम, किसी बुजुर्ग ने कहा है दुनिया में कुछ नहीं लेके जाएंगे, खाली हाथ आएंगे खाली हाथ जाएंगे। कभी कभी मुझे लगता है तुम लोग हवा लात जाएंगे। हाँ, और वहां डंडे भी खाएंगे। मेरे कन्नू अर्जुन आएंगे। ये क्या बकवास है यार। मुझे लगा कभी सम्मेलन चल रहा है। मैं 4 लाइनें पेश करता हूँ, दाद चाहूंगा। तो मैंने तेरी दाद ही लाल कर देनी है। गाड़ी के पेपर दिखा। पेपर वो हमारे पड़ोसी ले गए। हैं? हमारे पड़ोसी कभी अपना पेपर नहीं मंगवाते, हमारा पेपर मांग के ले जाते हैं। लेकिन पेपर पढ़ना बहुत जनरल नॉलेज के लिए अच्छा होता है। आजकल की लड़कियां मेकअप करके घूमती हैं, इनको पता ही कुछ नहीं। बताओ भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। पप्पू चंचल काट आगे से, नरेंद्र चंचल काट नरेंद्र मोदी लिखा। ये हो क्या रहा है? मेरे भतीजे का एग्जाम हो रहा है तो उसको लिखवा रहा था मैं। तो तुम अपने भतीजे को चीटिंग करवा रहे थे? नहीं, इट्स इको फ्रेंडली चीटिंग, इट्स नथिंग हार्मफुल टू हेल्थ। मुझे लगता है तुम्हारा सारा परिवार ही चीटिंग करके पास हुआ है। एक्सक्यूज मी, मैं जो कुछ हूँ आज आपकी मेहनत से हूँ। तुम्हारी मेहनत? अच्छा ये बताओ कि भारत में कितने राज्य हैं? राज्य जितने भी हों, देश का प्रधानमंत्री एक है, सिद्धू जी एक है, सोनी एक है, भारत माता की जय। मैंने तेरे मारना है। मैं यहाँ पर तुम दोनों का टेस्ट लेने आया हूँ। मैं इंस्पेक्टर हूँ। सीधा लाइसेंस दिखाओ। ये लो। ये तो 2-व्हीलर का लाइसेंस है। तो इसके अंदर इंजन भी 2-व्हीलर का लगा हुआ है ना? गाड़ी के अंदर 2-व्हीलर का इंजन कौन लगवाता है? हमें भी कोई शौक नहीं। हमारे ताऊ जी बीमार थे पता है, उनकी किडनी खराब हो गई। हमने इसका इंजन निकाल के बेच के हमने स्कूटी ले ली। क्या? तुम्हारे ताऊ जी बीमार थे और तुमने स्कूटी ले ली? जी, क्योंकि मेरे ताऊ जी हमेशा कहते हैं जो आएगा वो जाएगा, और जो जाएगा वो आएगा। मैंने कहा स्कूटी ले लेते, जो भी आएगा जाएगा, जल्दी आएगा जाएगा। कुछ भी बोलता है तो कुछ भी बोलता है। इतने जवाब मैंने स्कूल में दिए होना था ना, आज मैं कमिश्नर होता। शट अप। कमिश्नर को शट अप बोलता है। यू आर सस्पेंड। और तू कमिश्नर नहीं है। एक मिनट, मुझे तुम पे शक हो रहा है, गाड़ी की तलाशी लेनी पड़ेगी। खबरदार, मेरी गाड़ी की तलाशी लेने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। गाड़ी है सिर्फ, लेने दे तलाशी। गाड़ी होगी आपके लिए, मैंने बीवी की तरह पाली है ये। अगर आपकी बीवी की कोई तलाशी ले तो। एक मिनट, चुपचाप डिक्की खोलो। चुपचाप खुली नहीं सकती, आवाज करती है। चुप, इधर आओ तुम दोनों। हेलो, पुलिस वाले को डांटती हो? शट अप। मुझे पता है तुम दोनों पागल हो। तुम होती कौन हो पागल कहने वाली? डॉक्टर सुधा। लेकिन मैं पागल नहीं हूं। अच्छा? सारे पागल यही कहते हैं कि वो पागल नहीं है। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूं। तो कौन है तू फिर? मैं तो कॉमेडियन हूं। ये पक्का पागल है। इसको मार। नहीं नहीं, तो मैडम Yo, bro! भाई आज हमारे शो पे जो आ रहे हैं वो हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि इतने बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार होने के बावजूद हर महीने आते रहते हैं। इतने टाइम पे सैलरी नहीं आती आदमी की जितने टाइम पे ये आते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हार्डवर्किंग एक्टर हैं। साल में 5-6 फिल्में तकरीबन कर डालते हैं। इनकी फिल्मों में एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी, इमोशन, ड्रामा, यानी फुल ऑन एंटरटेनमेंट होता है। प्लीज वेलकम द हिटेस्ट एंड द फिटेस्ट खिलाड़ी ऑफ बॉलीवुड, मिस्टर अक्षय कुमार।
अच्छा पाजी देख लो पब्लिक आपसे कितना प्यार करती है। वैसे मैं एक आपको बात बताऊं, जितना प्यार इन लोग करते हैं वैसे उतनी खतरनाक मेरी एंट्री नहीं थी आज। नहीं, मुझे एक मौका, एक और एंट्री का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। पाजी आप अच्छा चलो ठीक है। ओके वंस अगेन अक्षय कुमार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके पाजी आज हमारे शो पे जो आ रहे हैं वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि यहाँ बार बार आते रहते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री के बहुत हार्ड वर्किंग एक्टर हैं, साल में 5-6 फिल्में कर डालते हैं, इनकी फिल्मों में एक्शन रोमांस कॉमेडी वगैरह सब होता है। प्लीज वेलकम अक्षय कुमार। मैं बोलूं एक बात, ऐसे ऑडियंस के लिए एक और एंट्री। और नहीं बाजी एक और एंट्री। बाजी आज जो हमारे शो पे आ रहे हैं ये आते ही रहते हैं क्योंकि साल में 5-6 फिल्में कर देते हैं, इनकी फिल्मों में एक्शन रोमांस वगैरह सब रहता है। प्लीज वेलकम द हिटेस्ट एंड फिटेस्ट खिलाड़ी ऑफ बॉलीवुड मिस्टर अक्षय कुमार। आज जो हमारे शो पे आ रहे हैं इनको कोई नहीं रोकता, आते रहते हैं, वो मेरा बैंड बजा रहे हैं, सारी तरह की फिल्में करते हैं, आप जानते ही हैं, क्या बताऊं मैं। प्लीज वेलकम अक्षय कुमार। आ जाओ पाजी। आ जाएंगे तो मेरे को उठा देना। किन्ने क्या फाइनली? क्या हमारे आगे खड़े रहेंगे आज इन लोगों का इंटरव्यू? नहीं कर लो आप 5-6 एंट्री और कर लो आप, जा कर लो पाजी। हो गया अब क्या, मतलब अब क्या, अभी और तो नहीं करनी पाजी, बस अब जोरदार तालियां हो जाएं मेरे। पाजी मजा आ गया लड़कियों को देख के। मुझे पता है ये शब्द आने वाला था। अच्छा ये लड़कियां भी तभी बाहर निकलती हैं जब अक्षय पाजी बाहर निकलते हैं, वरना मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये सब कहीं। गर्ल्स यू हैव डन ए मार्वेलस जॉब, आई फेल इन लव विद यू। आई गिव देम अ बिग हैंड एवरीबॉडी, थैंक यू।
Whoa, whoa. Thank you. Thank you. Thank you. Keep missing me. ये है सुपरस्टार, ये होता है। नहीं नहीं, हम मैं सुपरस्टार नहीं, ये हैं सुपरस्टार्स। इन लोगों की वजह से चार चार एंट्री होती हैं। देखो जी, गलत। ऐसा नाम जो महानायकों में शुमार होता है वो खिलाड़ी, वो खिलाड़ी जो विजेता हर बार होता है। ठोको, आसान नहीं होता, आसान नहीं होता, लगातार सफलता का सिलसिला बनाए रखना करोड़ों में कोई एक रुस्तम ए हिंद अक्षय कुमार। क्या पावर! अच्छा अक्षय बाजी, पहले तो 2 महीने में एक आध बार हमारे शो पे आते थे, अभी एक एपिसोड में चार चार बार आने लगे। मुझे तो लगता है बाजी आगे से तो आपकी सिर्फ एंट्री में पूरा एपिसोड निकल जाएगा। भाई साहब, मैं तो एंट्री देती है, तुसी अगली फिल्म में पा देना। हमने कोई भी फिल्म आ रही हो, अक्षय बाजी की एंट्री डाल देनी है। बाजी आपका फाइनली बहुत बहुत स्वागत है, पक्का और एंट्री तो नहीं है ना? और अगर कोई हीरो वीरो लेट है तो मेरी एंट्री डाल देना। अक्षय बाजी की फिल्म आ रही है रुस्तम, आप सब जानते हैं, उसमें अक्षय बाजी एक नेवल ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, वो भी पारसी। बाजी ना तो कभी आप पहले फिल्म में पारसी का कैरेक्टर निभाया आपने, और ना ही कभी नेवी ऑफिसर का किरदार निभाया आपने, तो कितना आपके लिए मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था ये रोल? देखिए, वैसे तो ये कॉम बहुत ही कमाल की कॉम है, मैं आपको इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मेरे बचपन में मेरे कई दोस्त पारसीज थे। मेरे सबसे करीबी दोस्त था, उनका नाम था फारूक इलाविया। इनका जो रिलीजन है ये कहता है कि आदमी को पैसों के पीछे दौड़ना चाहिए, आदमी को पैसों के पीछे दौड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पैसे आए तो उन्हीं पैसों के कई लोगों की मदद भी करें आप। क्या बात है! देखिए, पारसियों ने हमें कितना कुछ दिया है, जैसे हमारा जो फर्स्ट एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हाँ, हम जितनी गाड़ियां वाड़ियां चलाते हैं, टाटाज, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। पारसियों ने मुझे मेरे दोनों बच्चे दिए, क्योंकि मेरे जो वाइफ का गायनोकोलॉजी, ही इज अ पारसी। पाजी, मैंने सुना था कि जब पारसी हिंदुस्तान आए थे तो यहाँ की गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी बड़े फुल हैं, एक गिलास दिखाया उनको दूध का भरा हुआ गिलास, कि देखिए हम लोग ऑलरेडी फुल हैं, आपको कहाँ डालें। तो उन्होंने एक चम्मच शुगर डाल दिया और बोलते कि ये लिखो। हम लोग मिल भी गए, आपको पता भी नहीं चला, उल्टा आपको मीठा ही किया। तो ये बड़े प्यारे लोग होते हैं, बड़ी ही प्यारी कम्युनिटी होती है, और जितना मैंने समझा देखा है, पारसी लोग इतने प्यारे लोग होते हैं, अपना धनसक खाया और गाड़ी से बड़ा प्यार करते, कपड़ा मार के सो गए। अच्छा, एक और बात बताऊं जी, भाई तुम्हें पता है द लास्ट मर्डर कमिटेड बाय अ पारसी वाज इन 1975। ओह माय गुडनेस ग्रेशियस! अच्छा, लास्ट मर्डर व्हिच वाज एवर कमिटेड वाज बाय अ पारसी वाज 1975। आज तक नहीं कितना किसी ने, मतलब कितनी बड़ी बात। अच्छा पाजी, एक बड़े भाई के नाते एक सवाल आ रहा था मन में, जैसे ये कंपलसरी होता है कि अगर आपको नेवी में भर्ती होना है तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए। कमाल की बात है, मतलब क्या बात कर रही है? सही बात है ना? मतलब याद रखना, नेवी में अगर भर्ती होना तो स्विमिंग आनी चाहिए, क्या बात है! तो एक क्वेश्चन है कि क्या अगर हमें एयरफोर्स में भर्ती होना है तो क्या हमें उड़ना भी आना चाहिए? उड़ना आना चाहिए। और अगर आर्मी में हो तो मुंह से गोलियां चलानी आनी चाहिए, बल्कि इसको आर्मी में होना चाहिए, इसके मुंह से बड़ी गोलियां चलती हैं। पाजी, वैसे अक्षय पाजी यूनिफॉर्म में, मैंने ट्रेलर में देखा, बड़े हैंडसम लगते हैं, कोई भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, और जितनी एक आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग होती उतना ये रोज ही करते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं। हाँ। पाजी, कभी आपके मन में सच्ची विचार नहीं आया, अभी तो खैर आप सुपरस्टार हैं, पहले कभी? क्या? कि जितने आप फिट थे और ब्लैक बेल्ट सब कुछ, तो आपने कभी ट्राई नहीं किया अभी आर्मी वगैरह में भर्ती होने का? नहीं, पहले मैं एक्चुअली मर्चेंट नेवी में जाना चाहता था। अच्छा, लेकिन जैसे जिंदगी घूमती गई, अपने आप कुछ ना कुछ होता गया, कुछ ना कुछ होता गया, पता नहीं चला कहाँ से कहाँ, और अपने आप फिल्मों में आ गया। आपको सच बताएं, बहुत लकी मानता हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर मैं हूँ। आज से 25 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर आए हुए। पाजी, इंडस्ट्री में बदलाव कितना आ गया आपको 25 साल हो गए बॉलीवुड में? पहले एक प्रोड्यूसर 7-7 हीरो को साइन करता था, 7-7 हीरोइन, फिर एक प्रोड्यूसर एक हीरो को करने लगा। अक्षय पाजी की फिल्म में 7 प्रोड्यूसर हैं। हाँ?
पाजी आपने इतना रेट बढ़ा दिया। हमारे प्रोड्यूसर इसको याद है, इसके प्रोग्राम में इतने सारे वो स्पॉन्सर हैं और अभी भी बाहर ढूंढ रहा है कोई और मिल जाए। वहां बाहर इसके घर के बाजू में नगोरी डेयरी फार्म है, उसके पीछे भी पड़ा हुआ ये। उसके उस वहां भी जाता है डेयरी फार्म को बोलता है ये स्पॉन्सर बनेगा। मुझे आप ही बता दो मैं क्या बात करूं भाई। मैं नहीं नहीं, जिस पोज में तू बैठा था खतरनाक था बड़ा वो। इसने मेरी फिल्म डिशुम देखी है। हाँ, देखी है। अच्छा डिशुम से याद आया, पाजी अब खुद की तो 6-7 फिल्में करते हैं, दूसरों की फिल्मों में भी घुस जाते हैं। डिशुम डिशुम वाले कैरेक्टर की तैयारी कैसे की थी पाजी? अच्छा, खुद टीवी करता है, फिल्मों में क्यों आया ये? क्यों भाई? हाँ भाई, मुझे माफ कर दो पाजी, मैं क्यों आया तू? मेरे को माफ कर दो। और अभी अभी कुछ थोड़े दिन पहले की बात है, फोन पे कह रहा भाई एक और फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा भाजी, आप जितनी भी फिल्में करते हो आज तक, जब से मैं आपको देखता आ रहा हूँ 25 साल से, वैसी फिल्में होती है जिसमें हीरो का फिट रहना जरूरी है, वैसा ही चाहिए। अगर आपको कोई डायरेक्टर ऐसे कहे कि आपको 30 किलो वजन बढ़ाना है तो आप वो फिल्म करोगे कभी? 30 किलो वजन बढ़ाना है? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 30 किलो फिर बाद में घटाना भी है। वो नहीं होगा भाई, उस 30 किलो बढ़ाने के चक्कर में और घटाने के चक्कर में मैं इससे अच्छा 3 फिल्में ज्यादा ना कर लूं। अच्छा पाजी, जैसे आप नॉर्मली अपनी फिल्म 40-50 दिन में ख़त्म कर देते हो, अच्छा कुछ डायरेक्टर ऐसे भी हैं जो 100-150 दिन की शूटिंग करते हैं, जैसे अपने आशुतोष गवारीकर सर हैं, संजय लीला भंसाली हैं, तो आप इसीलिए उनके साथ फिल्में नहीं करते कि वो लंबी फिल्में बनाते? हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ वो कब 40 दिन में बनाएंगे, तब मैं फिर कर लूँगा और क्या करूँगा। अरे अक्षय पाजी की दीदी भी यहाँ पे है, नमस्कार दीदी, कैसी हैं आप? अच्छा आज दीदी मैं आपसे एक बात कहने जाता हूँ, हमने आज तक अक्षय पाजी की गुड हैबिट्स के बारे में सुना है, आप सिस्टर हैं आपको ज़्यादा पता होगा, ये खाने में हमेशा संदेश देते हैं, कोई बैड हैबिट्स जो आपको पता है प्लीज। ताश खेलते, जुआ, सारी गैम्बलिंग करते, हर चीज, मतलब फिल्मों से भी पैसा, ताश खेल के भी पैसा। अबे घर में खेलता। अच्छा घर में, अच्छा घर में खेलते हैं। स्वीप 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 तो सुनी होगी, स्वीप नहीं पता? नहीं पाजी, पाजी तो उन्हें तो स्वीप पता होनी है, हमें गंदी आते नहीं है। ओहो, ये स्वीप नहीं जानता, ये सीधे कैसीनो पहुंच जाता है। दीदी आप अक्षय पाजी से बड़ी हैं छोटी हैं? छोटी हूँ। अच्छा तो दोनों सिस्टर आप अक्षय पाजी से छोटी हैं? नहीं बेटा, ये मेरी बेटी है। हैं? पाजी आपकी फैमिली में सारे फिट होते हैं। पर बहुत बहुत स्वागत दीदी आपका हमारे शो में आने के लिए, धन्यवाद। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अक्षय पाजी फिल्मों में काफी एक्शन करते हैं, हमारे सेट पे भी आते हैं, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं बेचारे जैसे तैसे करके हम औरतें बना के लाते हैं, जो भी मतलब जितना हमारा बजट है, हमारे ऊपर भगवान का जितना दिया गया है, उनको भी जख्मी करके जाते हैं, इनको कभी बचपन में मार पड़ी है अंकल से? हाँ, डैडी से तो बड़ी पड़ी है, पढ़ाई के हिसाब से मार पिटती थी, तो फिर ये आगे आगे भागता था, डैडी पीछे पीछे भागते थे। तो यहाँ से फिटनेस का शौक पड़ा आपको? पीछे पीछे पापा भागते थे। और भी चीजें जाने तो मेरी पड़ोसी भी है, जब मैं बचपन में, ये पड़ोसी इधर बैठी हुई है, पूछ लो ये क्या है? ये तो अभी बचपन में ही है। अच्छा तो आप पड़ोसी हैं अक्षय जी के? हाँ, हम बचपन में साथ ही रहते थे, बांद्रा में रहते थे हम लोग। अच्छा आप भी काफी अमीर होंगे ना? नहीं नहीं, अमीर ये हो गया। वैसे एक तो बात बताऊं, इस शो के अंदर किसी के पास भी पैसे होना इस इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। कोई अमीर आदमी यहाँ आ जाए, कोई अमीर आदमी यहाँ आ जाए, ये जल भर कहता हूँ भाई, अगर टाटा बिरला थे आ जाए तो नोच खान। आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई है। कहाँ पे की आपने? मैं मलाड रहती हूँ। हाँ जी, मलाड रहती हूँ। तो आपके पड़ोस में अक्षय कुमार रहते थे, आपने किसी और से शादी क्यों कर ली? उन्होंने प्रपोज नहीं किया मेरे को। अच्छा अच्छा चलो, गुड टू सी यू। अच्छा जी, वो कहाँ है? कौन जी? और जो जिनको आप औरतें बना के लेके आते हो? इधर ही है पाजी। हाँ, रेडी हो गए, उनको जब पता चला ना कि आप आ रहे हो, अरे बना कर दिया। मुझे काम मैं दिखाता हूँ, आप देखो तो सही क्या कहते हैं वो। हेलो, आधा घंटे पहले नाश्ता ऑर्डर किया था ना मैंने, अब तक आया क्यों नहीं? जल्दी भेजो।
आप रेडी हो? हाँ, नाश्ता ऑर्डर किया। मैं तो रेडी हूँ, लेकिन आज तुम लोग इतना जल्दी कैसे रेडी हो गए? कौन आ रहा है? अरे बहुत मजा आएगा, अक्षय आ रहा है। अक्षय कब तक है? 2 बजे तक। हाँ तो 3 बजे तक ठीक हो जाएगा, मैं आती हूँ। एकदम रेडी। अरे तुम लोगों ने आज बहुत अच्छा किया, सुबह का शिफ्ट रखे, धमाल एनर्जी है, मेरा तो पूरा पेट भी साफ हो गया। मस्त एपिसोड करेंगे आज। कौन आ रहा है आज? अक्षय आ रहा है। तेरा आ रहा है? मैं तुम लोगों को बताना भूल गई, मुझे पोलियो का ड्रॉप लेने जाना है। हाँ मैं चलती हूँ। किस उम्र में पोलियो का टीका? अच्छा तुम मुझे बताएंगे किस उम्र में टीका लेने का? बच्चन साहब ने अभी बोला तो मैं अभी जा रही हूँ लेने के लिए। ठीक है मैं चलती हूँ। कब तक आओगी? बहुत टाइम लगेगा, एक टीका नहीं है, पोलियो का टीका है, डायरिया का टीका है, कसरा का टीका है, मंदिर का टीका लगाना भी भूल गई थी। हाँ तो मैं लगा, मंदिर से याद है, अनूप जलोटा का एपिसोड है ना अपना अगला, उसमें मैं आ जाऊंगी। ठीक है, ए लोटा निकल, अबे गाड़ी निकल, चल। आप लोग चाहते हैं ये दोनों वापस आए यहाँ? ओके मैं अभी आया। कैन समबडी फ्रॉम माई टीम रिमूव दिस बाइक? नाउ अक्षय इज नॉट हेयर। I will do whatever I feel like. Go man, come on. इसी मौके की तलाश में था कि वो इधर उधर हों और मैं उनकी हीरोइन को यहाँ पे इनवाइट करूँ एंड आई कैन हैव सम एंजॉय। सो प्लीज वेलकम द ब्यूटीफुल लेडीज ऑफ रुस्तम, इलियाना डिक्रूज एंड ईशा गुप्ता। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू गुरु जी। आज तो यहाँ रौनक हजार आ गई हैं, कोई कली महकती हुई खुशबू से शुमार आ गई है, जिंदगी लग रही थी कांटों जैसी, मोहतरमा आपके आने से तो बहार आ गई है। और आपको पता नहीं भाभी बाहर आ गई है। रंग में भंग डालता रहा कर तू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ईशा इलियाना। थैंक यू। सच में चाम आ जाता है, समथिंग इज डिफरेंट एक्चुअली। इलियाना पाजी अक्षय कुमार की वाइफ बनी हुई हैं रुस्तम में, इतने हैंडसम पति होते हुए इनका किसी और से अफेयर हो जाता है। तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी या मैं इसे अपने लिए कोई इशारा समझू? नहीं अच्छा इलियाना मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जैसे रुस्तम में आपकी शादी होती है अक्षय पाजी से जी, अफेयर हो जाता किसी और से, फिर फिल्म बर्फी आई थी उसमें प्यार रणबीर कपूर से करती हैं, शादी किसी और से, तो आप दुनिया में लड़कों को कंफ्यूज करने आई हैं? पता नहीं यार, आई हैव अ फीलिंग कि आई थिंक डायरेक्टर्स हैव दैट इन माइंड लुकिंग एट माय फेस। आपको क्या लगता है कि मैं आपको बहुत कंफ्यूज करती हूं? नो मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, मेरा फोकस सीधा है, इंटेंशंस काफी यू नो डायरेक्ट। मैं मर जाना, मेरे को ऐसे ना करो। वेरी क्लीन हार्ट गर्ल शी, शी लव्स मी फ्रॉम चाइल्डहुड। ईशा एक बात बताओ, आप फिल्म में अक्षय पाजी की जान लेने पे तुली हुई हैं, कहती कि मैं इस आदमी को फांसी पे लटकता हुआ देखना चाहती हूँ, इतने प्यारे हैंडसम आदमी, टाइम पे उठते टाइम पे सोते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? आपको मारना है तो हमें मार लो ना, हम तो तैयार बैठे हैं। आप कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो बस ये बता दो। तो आप क्यों उनके पीछे पड़ी हुई हैं? इलियाना को मिला ना, मेरा हस्बैंड नहीं बना इसलिए। अच्छा तो इसलिए बेसिकली तुम मेरा नहीं तो किसी का तो उस हिसाब से आप नहीं। अच्छा वैसे कुछ कहानी तो और है, कहानी वो बताती नहीं है, इनको पता है कि हम यहीं पे कहानी बताएंगे तो फिर वहां पे जाकर क्या देखेंगे। चलो एनीवेज, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू ईशा। कुछ दिन पहले आपने सोशल नेटवर्किंग पे एक फोटो आपने अपलोड कर दी थी और आपने बोला मेरी एंगेजमेंट हो गई है, फिर आपने बोल दिया मैं तो मजाक कर रही थी। क्योंकि आपने दी, मैंने चेक कराया, नकली थी।
Really? आप ऐसे मजाक क्यों करती हैं? आपको लगता है लड़कों को हार्ट अटैक हो सकते हैं ऐसी बातों से? यार मैं क्या बोलूं, आप थोड़ा बजट बढ़ाते तो शायद हम एंगेजमेंट रखते. दिस टाइम एक्चुअली वी हैव 3 times बजट बट या मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ. दो दो खूबसूरत लड़कियां हैं और ढेर सारी बातें आपके साथ करेंगे. पहले आइए हमारे सोफा की शोभा बढ़ाइए जरा. आइए. अच्छा इलियाना से किसी ने पूछा कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है. ये कहती है मैं पानी बहुत पीती हूँ. आपके चक्कर में हमारे पांडे साहब ना जो ड्रम बजाते हैं जी, इन्होंने 12-12 liters पानी शुरू कर दिया पीना. खूबसूरती तो पता नहीं कहाँ आई कहाँ नहीं, लेकिन टॉयलेट बड़ा जाते हैं. तो या तो मुझे लगता है कि आपका बयान गलत था कि पानी पीने से खूबसूरती आती, या इसको रिएक्शन कर गया. मुझे कुछ कहना पड़ा तो मैंने बोल दिया कि पानी ज्यादा पी लो. तो वैसे कोई ऐसी फैक्ट नहीं है मतलब? मेरे हिसाब से नहीं है. मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट है तो बहुत बड़ी बात है. अच्छा ईशा, अब मैंने देखा आप सोशल नेटवर्किंग पे काफी एक्टिव रहती हैं जी. अच्छा ईशा के पास थोड़ा सा टाइम बचा हो ना शॉर्ट के बीच में, कभी अपने डांस का वीडियो अपलोड कर देती हैं, कभी कुछ भी अपने फैंस के लिए. सो आज अगर आपको इंस्टेंटली कुछ रिकॉर्ड करके डालना हो तो क्या डालेंगी अपने फोन से? आप जो हमारे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं. ईशा आपकी पहली फिल्म जन्नत 2 थी ना जी, इमरान हाशमी के साथ जी. चुंबन देवता हैं हमारे देश के. I love Imran. He is my brother. जी मैंने भी पूजा की थी. अच्छा वो फिल्म के कैमरा के सामने रोमांटिक होते हैं कि वैसे भी रोमांटिक है रियल लाइफ में? उनकी वाइफ से पूछना पड़ेगा. मेरा जैसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कैमरा हो या ना हो, मेरा ये होता है कि फोकस क्लियर है. अच्छा आप एक बार बताइए, आप इतना सारा फ्लर्ट करते हैं, सेटल किसके साथ होंगे? कोई तो एक मतलब. ये जब इतने सारे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, मेरी मम्मी को ना गुप्ता सर ने बड़ा पसंद आता है. मेरी बहन को डी क्रूज बड़ा पसंद आता है. अच्छा. मैं आपको बताऊं इलियाना जो है ये पैदा मुंबई में हुई, फिर गोवा चली गई, वहां से साउथ की फिल्मों में, वहां से फिर वापस मुंबई में आ गई. अच्छा जब इतना सफर कर रही थी आपने कभी सोचा था आपको मेरे शो में आने का मौका मिलेगा? नहीं एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था, बट यू नो एवर सिंस आई कम ओवर. आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी हो गई. या जब से मैं आई. आई हैव डन डबल एमए. आई डोंट बताता नहीं मैं किसी को. मैं बताता नहीं. आई एम टू मच एजुकेटेड. टू मच? या मैं बताता नहीं कि नजर लग जाती है पता है. अच्छा पहले मैंने बताया था मेरी नजर लग गई थी, मेरा शो बंद हो गया था. तो मैं फिर बताता नहीं किसी को. अच्छा मुझे एक बात पूछनी है आप दोनों से. आप दोनों इतनी खूबसूरत हैं जी, हैं हीरोइंस हैं, अच्छा पैसा कमाती हैं आप, तो मतलब आपके साथ भी नॉर्मल लड़कियों वाले किस्से होते हैं जैसे कभी कभी हुए हैं? ऐसे आम जनता जानना चाहती है कि कभी आटा गूंथते हुए वही हाथ ऐसे बालों में आटा चिपक गया हो. कभी आटा गूंदा वैसे आपने ईशा? हाँ मैंने. हाँ ऑफ कोर्स. आटा गूंदना आता है आपको? या. अच्छा ये आटा भी बड़ा गूंथती होंगी ना सेक्सी सा आटा, मतलब जैसे हलवाई वो ढाबे में गूंथते ना इतने बड़े बड़े, इनका आटा भी ऐसे होता है ना, ये पेड़ा करती होंगी तो पेड़ा हाथों से कैसे ऐसी चपाती निकलती होगी ना. मजेदार चपातियां. अच्छा कभी ऐसा हुआ आप बड़ी तैयारी करके गई हो किसी पार्टी पे, आपकी चप्पल का स्ट्रैप टूट गया हो और बाद में आप ऐसे करके चल रही हो? कभी ऐसे नॉर्मली? हाँ हुआ है, सब हुआ है. होता है जी मेरे पास. एक्चुअली हुआ था मेरे साथ. सैंडल टूट गई थी? हाँ सैंडल टूट गई थी और हमारे तो एक शो में ही हुआ था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो इतनी बड़ी हील पहन के आई तो वो नीचे से जो डुंडी सी चिपकी नहीं थी तो सडनली लड़की ना एक पैर से थोड़ी हो गई तो सडनली इस तरफ से ऊंची तो करती है कपिल. अच्छा अभी तो नहीं, अभी आप करोड़ों की गाड़ियों में घूमती हैं. कभी ऐसे बचपन में हुआ किसी लड़के की साइकिल के पीछे बैठे आपका दुपट्टा आ गया हो चैन में? ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही कि जो सुपरस्टार्स लड़कियां होती क्या उनको भी आम लड़के जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं? होती है ना. कभी आपने अपनी चिंगम में चीनी डाल के दोबारा मीठा किया? मैं ऐसे कुछ
भी आप करते हो इसे? मैं करता हूँ, अभी भी करता हूँ. दिखाओ. अरे चिंगम खाओ तो ना 5 मिनट बाद फीकी हो जाती है. अच्छा. फिर उसको बाहर निकालो, फिर उसको थोड़ा सा खींच के उसके थोड़ा अंदर मीठा, चारों तरफ बंद, जैसे आलू का पराठा बनाते ना, फिर उसको मुंह में. नो नो, इट्स नॉट डिस्गस्टिंग, इट्स स्वीट. इट्स स्वीट. एक बात बताओ मुझे, मैं आप दोनों से एक बात पूछने जाता हूँ. प्यार कभी 100-150 बार हो सकता है? 100% हो जाता है. आपने भी एक बार ट्वीट किया था ना कि जो आपका प्रियतम है होता है उससे आपकी नजरें नहीं हटती. तो मैं यही पूछना चाहता था कि क्या 100-150 बार प्यार होता है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी हीरोइन आती है, सिद्धू पाजी की नजरें हटती नहीं है उनसे. सिद्धू पाजी पे आ गया, दिमाग खराब. पाजी आपको नहीं लगता? सच सच तो है, ये खूबसूरत लड़कियां सामने हो ना, आदमी वैसे खिला खिला रहता है, रहता कि नहीं रहता है? देखो जब खूबसूरती चलती है ना तो साथ साथ चलते हैं देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान और एहसास करने वाला हृदय. दिल की घंटियां, दिल की घंटियां बस. आंखें, हृदय और सांस, मैं तो पूरा का पूरा चल पड़ता हूँ भाजी. गर्ल्स इफ यू डोंट माइंड मैं आपके बीच बैठ जाऊँ? ऑफ कोर्स. थैंक यू. बाप रे कितना अच्छा परफ्यूम लगाया आप लोगों ने. एक मेरे कॉलेज की लड़कियां थी भाजी, कॉलेज की बस जाती ना, रूम फ्रेशनर लगा के आ जाती थी कसम से. फिर पसीना और रूम फ्रेशनर की मिक्स होती थी ना स्मेल, मैं तो 3 स्टॉप पहले उतर जाता था. कौन सा वैसे परफ्यूम लगाया आपने? गुची फ्लोरा. हाँ जी, गुची फ्लोरा. और आपका? शनेल. शनेल. अच्छा आप कोबरा का नहीं लगाती? आप लगाते हो? अरे कोबरा का तो आम परफ्यूम नहीं भाजी, 150 का आता है और उसके ऊपर ऐसे सांप भी बना होता है. उसकी बॉटल बड़ी अच्छी होती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना भाजी, मेरे तो होश उड़ रहे हैं बिल्कुल. मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ. ऊपर से अक्षय कुमार भी चले गए. रुक, मैं अभी उड़ाता हूँ तेरे होश. आप कहाँ चले गए? उसका तो मुझे पता है, तुम दोनों को शर्म नहीं आई? मैं गया बाहर, उसको बिठा दिया. खुद आके बैठ गया. खुद आके बैठ गया मतलब? बहुत स्वीट. Where is your manners? खुद खड़े हो जाओ, बोलो एक्सक्यूज मी, ये मेरे हीरो की जगह है. मतलब कमाल है, इतना कैरेक्टर सीरियसली ले लिया इस औरत ने. बैठो. 25 साल से फिल्मों में हीरोइन के साथ रोमांस कर रहे हो, अभी भी आपका दिल नहीं भरता? गरीब आदमी 2 मिनट आगे बैठ के गया, आपने तो मतलब. ये गरीब आदमी, मैं कहता हूँ भगवान करे सब ऐसे ही गरीब बनाए. अभी अभी सुबह सुबह सफेद मर्सिडीज में उतरा है. पूछो इस इंसान को, पूछो इसके पास मर्सिडीज है कि नहीं. वो तो चैनल अभी दिये. अभी माड़ा में एक नया ऑफिस खोला है इस आदमी ने. माड़ा में नया ऑफिस खोला है फिल्मों के लिए. झूठ मत बोलियो. अभी नया घर भी खरीदा कहीं. ये गरीब है, ये गरीब है. सारा पंजाब में कितना भाई, पंजाब में इतना इतनी जमीन है इस बंदे को. सब तो अमीर आदमी है, सब तो अमीर. कौन सी जमीन? कौन सी जमीन मतलब? आप क्यों बोल रहे हैं? आपका खुद का घर इतना बड़ा, खुद ही गुम हो जाते हैं उसमें. हमें हमारे ऊपर नजर रख रहे हो. चलिए, खराब मौसम के कारण ये सारी बातें टेलीकास्ट नहीं हो पाएंगी. आप तो मनाने गए थे उनको, कहाँ रह गए वो सारे? मनाया. ओए आ जाओ. आने को तैयार नहीं थे. रख दो इधर ही. थैंक यू. तुम ही जाओ. थैंक यू. आज फ्लाइंग किक पड़नी है. शो के पैसे लिए लेकिन आने को तैयार नहीं है लोग. ये नकली औरतें बन की फिरती हैं ये लोग. तुम ये आपको मना के आए?
वही तो हम भी कह रहे हैं, ये कोई तरीका हुआ मनाने का? ऐसे कौन मनाता है ये? मैंने क्या किया? क्या किया? इसके तो सिर्फ मुंह पे मना है, मेरे कहाँ कहाँ मना है मैं तो बता भी नहीं सकती। वो तो सही टाइम पे कापूस मिल गई, नहीं तो आत्मा निकलने वाली थी। हुआ क्या, क्या किया इन्होंने आपके साथ? अरे मैं कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया बता, क्या किया? क्या किया? रिकॉर्डिंग है हमारे पास। उस कमरे में छी छी टीवी था। दिखाइए दिखाइए, देखो देखो क्या किया हमारे साथ। भोला बनता है देखो। क्यों नहीं आ रहे हो तुम लोग? क्यों नहीं आ रहे हो तुम लोग? वो मेरे लंग में जरा सा पानी भर गया था। मैं पोलियो ड्रॉप के लिए जा रही थी। रुक ना, मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता हूँ, समझी तू? नहीं नहीं, अरे क्या क्या कर रहे हैं हम? क्या देख इसको, क्या बता ये, छोड़ो इसको, उठो इसको मार दे, इसको जोर से मार दे, इसको भी जोर से मार दे, खा के जा इसको मार। अरे ये क्या, रुक 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 रुक, मार तो खा के जा। अरे बस बस बस, अरे कौन सा सांड छोड़, डू इट बेबी, आ जा। महिलाओं को आदमियों की तरह पीटा है, इतना जोर से मनाते हैं। देखो मैंने मारा, किसने मारा? मैं कभी महिला पे हाथ नहीं उठाता हूँ। किसने उठाया हाथ, उसको पकड़ो। था एक, था तो आपके साथ ही ना, लेकिन मेरे साथ नहीं था। वो आप ही का बॉडीगार्ड है। मेरे साथ नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें रोक रहा था। अच्छा, वाह 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 वाह, क्या तरीका ढूंढा है रोकने का, वेरी न। जोर से लगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अभी अभी आगे करो, जो जो करने वाले थे। नहीं, जो करना था हो गया, अब और क्या है। अरे करो ना, जो हंसाओ लोगों को। क्यों नहीं, आज आप आए हैं ना? आज आए मतलब क्या है? आप बस आइए, आप अच्छा कर लेते हैं ये काम। नहीं नहीं, बुलाओ उसको फिर से। नहीं नहीं, नहीं। ईशा, इलेना, यहाँ पे थोड़े दिन पहले अक्षय पाजी आए थे हाउसफुल 3 की पूरी टीम के साथ जी। तो अभिषेक और रितेश का ये कहना था कि ये उनको 30-30 किलोमीटर पैदल चलवाते थे, या बोलते थे कि शूटिंग से होटल तक आप साइकिल चलाते हो जाओ। तो आपको भी ऐसा कुछ करवाया उन्होंने कि नहीं कभी? हाय, सुबह 5-5 बजे हम तैयार हुए हैं। हाँ, 4:30-5 बजे, 4:30-5 बजे। अरे तो वो भी तो साथ में बोलो, शूटिंग के लिए तैयार हुए हैं। मतलब पूरी बात तो बताओ, सुबह 5:30 बजे उठाया, हम तैयार हुए हैं के लिए। अरे बोलो बोलो, ये तो हमारे घर के किवाड़े बंद करवाएंगी। तो इससे पहले कि मैं ही सारी बातें करता जाऊं, आप सब लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप अक्षय पाजी से, इलियाना से, ईशा से जो भी बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं जी। आप सबको जय श्री कृष्णा, आप सबको भी जय श्री कृष्ण। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी अक्षय कुमार, बस मैं इतना कहूँगी मेरे जितने मोबाइल होते हैं मेरे स्क्रीन पे हमेशा आपकी फोटो रहती है। अरे वाह, मैं ये मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, कहते मैं तुम्हें इतने महंगे फ़ोन लेके देता हूँ, फोटो तो उसी की लगाते हो। मेरे बेडरूम में आपका इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। अरे वाह, मैंने ट्रेड फेयर पे। भाई साहब को नींद कैसे आती है? सामने अक्षय कुमार का पोस्टर लगा। बस अगर मैं कहती थी मेरे से भगवान भी आके पूछे ना कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मैं कहती थी बस मुझे एक अक्षय कुमार से मिलना है बस। आज अक्षय जी का जैसा ड्रेसअप होता है मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल वैसे ही तैयार करती हूँ। ये हेयर कलर करते हैं, मैं इनका हेयर कलर करा, बेवफा में इन्होंने किया, मैंने इनका किया। सिंग इज किंग में इन्होंने शेरवानी पहनने के लिए अपनी छाती वैक्स करी, मैंने इनकी वैक्स कर दी। इन्होंने आज मेरी दीदी ने पूछा अगर तेरे को अक्षय कुमार मिल जाए तो तू क्या जीजा जी को छोड़ देगी? मैंने कहा मैं दोनों को रख लूँगी। अगर ये मेरी जान है ना तो ये मेरा दिल है। अरे वाह, ये मेरी मतलब अब 43 साल की उम्र में मेरे लिए जो ये गिफ्ट मिला है मेरे को।
एक बार अक्षय बाजी लियाना और ईशा के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि मजा बहुत आ रहा है और आप सबको पता है कि हम भी लालची तो हैं ही, तो जब इतना मजा आ रहा है तो इनको हम क्यों जाने दें। सो अक्षय पाजी, इल्याना और ईशा की तरफ से मेरा आप सबको प्रॉमिस है कि ये कल भी यहां बने रहेंगे। सो पाजी एक सेल्फी। थैंक यू और आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए और देखते रहिए अलग अपनी शर्मा शो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.